दोस्तों गाजियाबाद की टीम जिसके कैप्टन है हिमांशु, तो दूसरी तरफ है उत्तर रेलवे की टीम जिसके कैप्टन है अमित नागर। टॉस होता हुआ बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों, कमाल की टीम है दोनों। एक तरफ उत्तर रेलवे की टीम, हमारे गाजियाबाद फेडरेशन के सचिव आदरणीय कप्तान राज सिंह नागर जी और भगत को साहब जो दूसरी तरफ अभी तक फेडरेशन में अध्यक्ष हैं, वो दोनों मिलकर के आदरणीय दोस्तों मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा बेहतरीन मुकाबला। सुनील और प्रवेश की जोड़ी एक तरफ आपको नजर आने वाली है, दूसरी तरफ हिमांशु और अरे फोटो वाला महते भाई अंकित फोटो साथ में रहेंगे। कवर की जोड़ी दोनों की है और बेहतरीन टीम दोनों भाई, कमाल की टीम है। आदरणीय सतेंद्र कुमार पहली रेड मुंशी जी लक्ष्य करते हुए हमारे जोन के प्रभारी भी है, तो भगत को साहब एक पगड़ी पगड़ी भी मुंशी जी की तरह निकाल ली भाई। ओ विक्रांत विक्रांत दोनों तरफ से रेड करते हैं भाई, वैसे लेफ्ट रेडर हैं लेकिन राइट से भी रेड करते हैं। मुकुलाए सामने से, लेकिन आप इसे बोल सकते हैं क्विंट लूज कर दिया, या तो आप चैन लेकर आइए। अब जीत गाजियाबाद की तरफ से जर्सी नंबर 10, एक एक स्कोर दोनों टीमों का। रनिंग हैंड टच का प्रयास राइट इनको नेट भाई, बेहतरीन खिलाड़ी है, गोरखपुर रेल में प्रशिक्षण करता है, गोरखपुर स्टेडियम में। एक और एमपी राइट विशाल कामयाब हुए थे, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था पहले मुकाबले में शामली के सामने, लेकिन क्या यहां कामयाबी मिलेगी विशाल को। बैक होल्ड क्या बेहतरीन बैक होल्ड मोहित बालियान का, और बैक पोस्ट से अध्यक्ष हमारे भाई कुलदीप। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन मुकाबला है, टफ मुकाबला है दोनों टीमों का भी मंच के माध्यम से। आ भाई बेहतरीन रनिंग हिट, एक और पॉइंट जर्सी नंबर 8 अभी तक पॉइंट की बात करें गोरखपुर वर्सेस मेरठ, एक पॉइंट मिला है लक्ष्य को गाजियाबाद की तरफ। गोरखपुर और मेरठ मजबूत टीम के लिए पहली पुकार, दोनों टीमें अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। विक्रांत लगातार कामयाब हुए हैं, बेहतरीन रेडर सुरेंद्र गिल को इस मुकाबले में मौका नहीं दिया है क्योंकि जानती है टीम, सिवाय पॉइंट ऑफ लूज करते हुए लगातार कामयाबी मिलती हुई नॉर्थन रेलवे की टीम, बेहतरीन टीम मजबूत टीम। सुनील की अगर बात करें तो सुनील जयपुर पिंक पैंथर टीम का हिस्सा थे और टीम को चैंपियन बनाया था, कैप्टन थे टीम के। एक और एम्प्टी राइट, टाइम आउट लिया है गाजियाबाद ने। सुपर टैकल, तीन खिलाड़ी या तीन से कम खिलाड़ी अगर कोर्ट में है तो सुपर टैकल सिचुएशन होती है और टैकल करने वाली टीम को दो पॉइंट मिलते हैं, क्या सुपर टैकल देखने को मिलेगा। बेहतरीन डिफेंडर तीनों, बेहतरीन सुपर टैकल लक्ष्य का। गाजियाबाद की तरफ से डू ऑर डाई राइट, बेहतरीन रनिंग हैंड टच, कमाल का लक्ष्य की भाई तारीफ करनी होगी। चार पॉइंट बने हैं और चार के चार पॉइंट गाजियाबाद की तरफ से लक्ष्य ने लिए, ऑलराउंडर प्रदर्शन करता हुआ एक खिलाड़ी। दो पॉइंट सुपर टैकल में और दो पॉइंट राज सिंह गुरुजी और भगत को वापसी करती हुई गाजियाबाद की टीम।
ये भी गुरु हैं हमारे जो गाजीपुर से आए हैं, सचिव हैं गाजीपुर से और ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश भी हैं। कई कई पदों को सुशोभित करते हैं और कबड्डी में पूरा जुनून रखते हैं। तो एक मोमेंटो और एक पगड़ी चार का डिफेंस और एक ट्रैक सूट के साथ में उनका स्वागत करेंगे स्टार खिलाड़ी। एक और बंधवा दे गुरु जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है कोई ना, एक और बंधवा दे। वो कह रहे थे हम भी तैयार हैं। लक्ष्य चार के डिफेंस में, चार का डिफेंस मजबूत डिफेंस माना जाता है क्योंकि सेंटर खाली होता है, लेकिन लक्ष्य जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं बराबर सेल्फ आउट। और हमारे भाई योगेश जी बीएसएनएल हैं, वो पहलवान हैं, उनको भी हम मंच के माध्यम से पगड़ी बांध करके उनका स्वागत करना चाहेंगे। मेरठ से आए हैं, दवथवा से, तो राज सिंह गुरु जी भगत साहब पगड़ी बांध करके स्वागत करें। अरे फोटो गुरु जी यहां से आज शाम को भी निकलेगा, तुम चिंता मत ना करो, गाजीपुर तक पहुंचवाऊंगा। ले भाई ले। आदरणीय योगेश जी गाजियाबाद की टीम की अगर बात करें, एक और पॉइंट विक्रांत लगातार कामयाब हुए हैं। विशाल बेहतरीन टो टच, एक पॉइंट और गाजियाबाद के लिए और लगातार बढ़त में नॉर्थन रेलवे वापसी जरूर करेगी गाजियाबाद की टीम। बहुत बढ़िया मुकाबला, लेकिन तारीफ करनी होगी रेलवे की टीम, बड़ी टीम है, सारे स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। तीर कट और हमारे बीच में यूपी पुलिस से आदरणीय चौधरी अरुण कुमार जी जो कोच हैं, उनको भी हम पगड़ी बांध करके उनका स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय अरुण जी और रेलवे इस मुकाबले में एक तरफ बढ़त बनाती हुई, बेहतरीन मुकाबला था शुरू में, स्टार्टिंग में जरूर कड़ी टक्कर दी थी गाजियाबाद ने और ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई टीम, लेकिन तारीफ करनी होगी गाजियाबाद की भी, लेता रहा भाई इतनी मजबूत टीम के सामने मल्टी पॉइंट रैट कवर और कॉर्नर को एक ही रन में साफ किया। विशाल को इस बार और विशाल सिंगल थाई होल्ड करना चाहते थे, सामने से आए और एक पॉइंट और विक्रांत को मिलता, वो विक्रांत वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले रेड रहे हैं और लगातार कामयाब हुए हैं। लक्ष्य युवा खिलाड़ी लखाव टीम प्रशिक्षण करता है जोगिंदर को साहब के प्रशिक्षण केंद्र में और एक पॉइंट और नैन चार के डिफेंस में, तीन खिलाड़ी चार के डिफेंस में से लखावटी के प्रशिक्षक केंद्र जोगिंदर कोशाब के अंडर प्रशिक्षण लेते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं तीनों, लेकिन क्या टैकल देखने को मिलेगा, एक और एम्प्टी रैट
सुनील प्रवेश जिस मुकाबले में हो और सुरेंद्र गिल जैसे खिलाड़ी उस मुकाबले में गाजियाबाद की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। विक्रांत रेलवे की तरफ से अकेले टीम को संभालते हुए लक्ष्य का और लक्ष्य ने बिल्कुल भाई वन मैन आर्मी की तरह जैसे बिल्कुल भाई ये भी सुपर टैकल हो गया क्योंकि एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हुआ था पहले ही। दो पॉइंट और वन एक पॉइंट मिला रेलवे को और दो पॉइंट गाजियाबाद को। पांच का डिफेंस लाइट अगर आ गया हो तो हम एक और सेकंड वाला टाइम आउट लिया है। डॉक्टर एहसान जी वहां पहुंच गया है ना। तो दोस्तों 11-11 स्कोर बराबर है। बहुत बेहतरीन मुकाबला रखा हुआ दोनों तरफ से। थर्ड रेड डू ऑर रेड पांच का डिफरेंस गाजियाबाद अगर यहां से मुकाबला जीतती है तो बेहतरीन टकल। दोनों एंकलों को होल्ड किया अब एक पॉइंट की लीड में रेलवे। तीन का डिफेंस फिर सुपर टकल हो दो सुपर टकल पहले ही कर चुकी है गाजियाबाद की टीम। नैन एक और बेहतरीन सुपर टैकल फिर गाजियाबाद लीड में। अर्जुन जाएंगे एम्प्टी के रेड करके आएंगे मान्यता प्राप्त रेडर नहीं है बेहतरीन डिफेंडर जरूर है। लीड में है गाजियाबाद एक पॉइंट की। तेरह 12 स्कोर है लगाने का प्रयास अमित का। अमित नाकर भाई जयपुर पिंक पैंथर के लिए प्रो कबड्डी खेल चुके हैं और उत्तर रेलवे में टीटी के पद पर कार्य रहते हैं। ये सभी खिलाड़ी उत्तर रेलवे के खिलाड़ी हैं और सभी रेलवे में कार्यरत। अर्जुन एक बार फिर मान्यता प्राप्त राइडर कोई अंदर है नहीं। बेहतरीन एंकल होल्ड सुनील का। तीन सुपर टैकल पहले ही कर चुकी है टीम क्या एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ एक और मुकुल का डबल एंकल होल्ड फिर स्कोर बराबरी की तरफ। दोस्तों एक पॉइंट की लीड है गाजियाबाद के पास अब। गाजियाबाद के पास दो पॉइंट की लीड है। हमारे बीच में बेहतरीन मुकाबला चार का डिफेंस लगातार सुपर टकल देखने को मिले एक और मुकुल का। उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के जॉइंट सेक्रेटरी बेहतरीन सामने से आया बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। बिशन जी पदमवीर भाई का भी थोड़ा कमाल का डिफेंस काम करता हूँ। ये सारे डिफेंडर जितने है थोड़ा बहुत राज सिंह गुरु जी ने बताया लखावटी कबड्डी अकेडमी में प्रशिक्षण जो कि बुलंदशहर में है और मैं जोगिंदर कोच साहब के शिष्य हैं ना। इस कोच है जोगिंदर भगत कोच साहब यही चाहूंगा कि यही एक छोटा सा स्वागत भी आप करा दीजिए पगड़ी और मोमेंटो वेट करा दर्दी है चार के पदमवीर जी को
आपने फोन पे बताया था, मैंने फोन भी करके उस दिन उसी टाइम जब रात को बोला था गुरु जी आप आओगे तो अच्छा लगेगा। मान्यता प्राप्त डिफेंडर है लेकिन रेड रहे नहीं तो एम ट्रेड के साथ लौटते हुए विशाल डोवर डाइम है। कोर्ट नंबर दो पे जो मैच चल रहा है उसका मध्यांतर हुआ है। मध्यांतर तक मुजफ्फरनगर ने 27 अंक बनाए हैं जबकि गाजीपुर ने 17। इस तरह से मध्यांतर तक जबरदस्त मुकाबला बेहतरीन मुकाबला दोस्तों और विशाल डोवर डाइम है। दो पॉइंट दोनों कॉर्नरों को भार कर दिया है और बड़ी लीड के साथ अब गाजियाबाद टाइम आउट लिया है। सुरेंद्र के लिए अंदर आएंगे दोस्तों। मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट। मध्यांतर की बात करें तो मध्यांतर के समय 13-18 स्कोर है, 5 पॉइंट की लीड। बोनस का प्रयास और बोनस कर दिया ऑन, ओपन कर दिया भाई बोनस। 6 या 6 से ज्यादा डिफेंडर अगर कोर्ट के अंदर हैं तो बोनस की सिचुएशन होती है। अब रिकॉर्ड बोनस मिलता हुआ, दो खिलाड़ी कोर्ट में है, दिक्कतें बढ़ती हुई रेलवे की। दोनों के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी और प्रो कबड्डी के बड़े नाम सुनील एक बार बेहतरीन फिर के लीड बची है 4 पॉइंट की। दिक्कतें बढ़ रही है रेलवे की लेकिन सुरेंद्र गिल जो कि मध्यांतर तक बाहर बैठे हुए थे उन्हें अंदर लाया गया है। बोनस का प्रयास, क्या एक और बोनस, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस रख रहे हैं बिल्कुल। और बोनस मिलता हुआ, लीड धीरे धीरे कम हो रही है। 15-18 स्कोर लीड 3 पॉइंट की अभी भी गाजियाबाद के पास। दो खिलाड़ी कोर्ट में और यहां से ऑल आउट मिलता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी लेकिन दोनों बेहतरीन खिलाड़ियां। एक तरफ सुनील जो कि बहुत जबरदस्त और गिल को निशाना बनाया इस बार विशाल ने, एक और टच पॉइंट। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। डिफेंस अगर नहीं टूटता है तो यहां कामयाबी मिलेगी जरूर। क्या ऑल आउट का टाल पाएंगे, बेहतरीन किक लगाई है सुनील ने भाई, ऑल आउट को टाल दिया है इस समय। दोनों स्टार डिफेंडर कोर्ट के अंदर सुनील और प्रवेश की जोड़ी, क्या विशाल को टैकल कर पाएगी। और सुनील को फिर निशाना बनाया विशाल ने, बेहतरीन एक और टच पॉइंट। सुनील ने ऑल आउट टाला था, क्या प्रवेश ऑल आउट टाल पाएंगे, बेहतरीन किक लगाई थी कॉर्नर को। मुश्किलें बढ़ती हुई रेलवे की, स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास, बेहतरीन खिलाड़ी दोनों तरफ। बोनस का प्रयास जरूर किया है और बोनस ओपन कर दिया है। अच्छा इस कमरे से एक और बेहतरीन टैकल, बोनस जरूर मिला है और आउट मिलता हुआ। क्या बड़ा उलट फिर देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का। ये गाजियाबाद की टीम भारी पड़ती हुई इस समय उत्तर रेलवे की टीम पर। लक्ष्य बेहतरीन बैक होल्ड, कमाल का टैकल देखने को मिला, सपोर्ट दिया सामने से सुनील ने। फर्स्ट हाफ में विक्रांत ने वन मैन आर्मी की तरह काम किया था, अंकित आए सामने से धराशाही कर दिया सुरेंद्र गिल को। और बेहतरीन टफ मुकाबला भाई दोस्तों रेलवे के लिए, अपने परचम को जो लहर रहा है उसे बचाना, खिताब को बचाना बड़ी दावेदारी, जो मजबूती से खड़ी है उस पर आँच आने लगी है भाई धीरे धीरे। और गाजियाबाद की टीम शुरू से ही इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। युवा ब्रिगेड लखावटी की कमाल का प्रदर्शन कर रही है और जो इस समय कोर्ट के अंदर है उसमें से 5 खिलाड़ी
लखाव टीम पर सिक्सर करते हैं, बोनस का प्रयास अमित का और बोनस मिलता हुआ। मोहित वालिया लक्ष्य एक्शन में सेल्फ आउट हुए हैं, प्रेशर इतना ज्यादा था कि अपने आप को सेव नहीं कर पाए, सेल्फ आउट हुए और वापसी कर रही है रेलवे की टीम। बेहतरीन ये पल, बहुत जबरदस्त मुकाबला दोस्तों। अर्जुन निकल कर आए, चैन छोड़कर टैकल करना चाहते थे लेकिन पॉइंट मिला एक और रेलवे को। विशाल और लक्ष्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है रेलवे के सामने, बिरंदा लेकिन जल्दी विक्रांत भाई कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में एक तरफा प्रदर्शन दिखाया था और लगातार कामयाब हुए थे लेकिन डिफेंस ने वापसी कराई टीम की, ऑल आउट दिया एक और मल्टी पॉइंट रैट मुकुल आए सामने से और स्कोर बिल्कुल बराबरी की तरफ। वापसी करा दी है विक्रांत ने टीम की, तीन खिलाड़ी कोर्ट में गाजियाबाद के और डिफेंस इस समय सेट होता हुआ। जो काम गाजियाबाद ने फर्स्ट हाफ में किया था वो काम रेलवे सेकंड हाफ में कर रही है, सुपर टैकल ऑन, लगातार सुपर टैकल किए थे। थर्ड राइट डू डायरेक्ट लाइन का टैग नहीं पूछ लीजिए, उसी से बता देगा आपका लड़का है विशाल। डू डायरेक्ट गाजियाबाद, विशाल युवा खिलाड़ी है, युवा कबड्डी सीरीज में भी अपना प्रदर्शन दिखाया है और इस समय गाजियाबाद के लिए खेलता हुआ बेहतरीन खिलाड़ी है और इतने मजबूत डिफेंस के सामने जिसमें नितिन पवार सुनील परवेश की जोड़ी हुई, ये सुनील का कमाल, एक और बेहतरीन टैकल देखने को मिला सुनील का। दो खिलाड़ी कोर्ट में, ऑल आउट का खतरा मंड रहा था वो विक्रांत एक्शन में, क्या एक और सुपर टैकल देखने को लगा, क्या बेहतरीन ये जंप भाई, कमाल किए रेड और विक्रांत की बेहतरीन जंप सेवा के ऊपर। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं अभिजीत और स्कोर की अगर बात करें तो 25-24 स्कोर है, एक पॉइंट की लीड अब रेलवे के पास। लास्ट खिलाड़ी है, अगर टच पॉइंट नहीं लिया तो बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, ऑल आउट हो जाएगी टीम और रीड फिर बढ़ जाएगी रेलवे के पास। जरूर मिला है ऑल आउट मिलता हुआ गाजियाबाद को, बोनस का प्रयास सुरेंद्र का, पच्चीस 28 स्कोर, एक और बेहतरीन टच पॉइंट। लक्ष्य ने फर्स्ट हाफ में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था और बिल्कुल अपने पक्ष में मुकाबले को डाल दिया था, 5 पॉइंट की लीड थी फर्स्ट हाफ में और अब 4 पॉइंट की लीड इस समय रेलवे के पास। जब से सुरेंद्र गिल अंदर आए हैं मुकाबले को बिल्कुल पक्ष में मोड़ दिया है रेलवे के और रेलवे समय बढ़त में, लास्ट 5 मिनट का समय शेष।
मेरठ और गोरखपुर के लिए अंतिम पुकार, दोनों टीमें अवलंब कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। इस मैच के निर्णायक सुरेंद्र गिल को निशाना बनाया रनिंग टू टच, अंपायर मनोज कुमार सिंह शेर बहादुर, स्कोरर रघुपत यादव, असिस्टेंट स्कोरर इसपाल पराग, थर्ड रेट पे डॉक्टर एहसान, 32nd पे अनिल सिंह। आप सभी निर्णायकों से अनुरोध है अपना कोर्ट नंबर 2 व्यवस्था देख रहे, मनोहर मनोज शेर बहादुर रघुपत इसपाल पराग एहसान अनिल सिंह से। बहुत ही एंकल होल्ड अंकित का, भाई गाजियाबाद का डिफेंस की तारीफ करनी होगी जिस तरह का डिफेंस खेल रहा है। और बात भी वापसी करती हुई, 4 मिनट का समय शेष है और मात्र 2 पॉइंट की लीड इस समय रेलवे के पास है और दिक्कतें बढ़ रही है रेलवे की क्योंकि दोनों रेडर बाहर हैं, विक्रांत और गिल, और अगर रेडर अंदर नहीं आए तो दिक्कतें बढ़ेगी। 4 खिलाड़ी कोर्ट में हैं, अमित नागर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन रेडर लेफ्ट रेडर, लेकिन क्या लास्ट 4 मिनट का समय शेष है, एक और एम्प्टी राइट, लीड मात्र 2 पॉइंट की है, दिक्कतें बढ़ रही हैं 4 खिलाड़ी कोर्ट में रेलवे के, और गाजियाबाद फिर वापसी करता हुआ इस मुकाबले में। बेहतरीन गेम दिखाया गाजियाबाद की युवा ब्रिगेड, मेरठ की टीम आ चुकी है, गोरखपुर की टीम तुरंत पहुंच जाए मैदान पे, लेकिन ये गलती भाई, ये मुकुल की गलती है, यहां से टीम वापसी कर रही थी, एक और मल्टी पॉइंट ऐड कर दी, लास्ट 3 मिनट का समय से फिर लीड बढ़ती हुई। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच गौतम बुद्ध नगर वर्सेस शामली, आई रिकॉर्ड बुद्ध टीम मैनेजर कार्निंग डेडियो टीम, फर्स्ट कॉल फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच गौतम बुद्ध नगर वर्सेस शामली, आई रिकॉर्ड बुद्ध टीम मैनेजर कार्निंग डेडियो टीम, गौतम बुद्ध नगर और शामली के लिए पहले क्वार्टर फाइनल के लिए पहली दोनों टीम अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं। भाई वापसी कर रही है टीम, लेकिन कुछ भी हो सकता है, समय काटते हुए सुरेंद्र गिल, क्योंकि जानते हैं समय भाई ज्यादा बचा नहीं है और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। 2 मिनट लास्ट 2 मिनट का समय शेष, 2 मिनट और शेष बचे हैं इस मैच के, यहां पकड़ हुई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। विक्रांत को शांत जरूर रखा है इस डिफेंस ने, लेकिन विक्रांत एक तरफा प्रदर्शन करते हैं, संजीव बालियान जी भाई पहुंच चुके हैं, परवेश भाई सुनील परवेश को इसी वजह से बेहतरीन डिफेंडर कहा जाता है इंडिया का, और दोनों कमाल का प्रदर्शन करते हुए वापसी कराई टीम की। लास्ट मिनट का समय शेष, 3 से 4 पॉइंट की लीड है, हमारे बीच में संजीव बालियान जी, भाई संजीव बालियान जी पहुंच चुके हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच, और इस बार जो जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप में गई थी उसके भी कोच थे, दोनों में गोल्ड मेडल दिलाया, मैं उनका आयोजन कमेटी और साहिल पाउट हुए संघी तरफ से स्वागत करता हूं। 5 का डिफेंस, परवेश 1 पॉइंट और लूज किया, अंतिम क्षण बिल्कुल टाइम आउट लिया है, बिल्कुल 1 या 2 रेड देखने को मिलेंगे सिर्फ लास्ट, 31-33 स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड है और बिल्कुल अंतिम छोर चल रहा है वैसे इस मुकाबले का। दोस्तों डी ले रखी है, क्रॉस ले रखी है, अगर क्रॉस पार की तो भाई मुकाबला पक्ष में जाएगा रेलवे के।
अंतिम क्षण बिल्कुल, और तारीफ करनी होगी गाजियाबाद की टीम की, बेहतरीन टैकल, 32-33 स्कोर, मुकाबला समाप्त दोस्तों 32-33 के साथ, बाजी मारी है रेलवे की टीम ने, लेकिन तारीफ करनी होगी गाजियाबाद की टीम की जिस तरह का प्रदर्शन किया है, बहुत बेहतरीन मुकाबला दिखाया, एक तरफ युवा ब्रिगेड तो दूसरी तरफ प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सितारे इस मुकाबले में देखने को मिलेगा आपको, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में अभी हिंदुस्तान को जूनियर में वर्ल्ड कप खिलाने वाले कबड्डी में विनीत दवान जी बबीसा से बिलोंग करते हैं, जहां से साहुल और संजीव बालियान जी हमारे हरिंदर हैं, और भाई कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर हैं ये, और दिल्ली पुलिस में समझ रहे शामली भगत बबीसा गाँव से। ब्रजपाल जैनर जी, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।